स्टूडेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ. देखते हैं एक्सरसाइज 3.2. तो क्वेश्चन नंबर वन है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के क्या नाम होते हैं, ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. तो इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, ये जो पार्ट होते हैं इनका बेटा नाम क्या होता है जो इन दो लाइन से बनते हैं. तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं. थर्ड पार्ट देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, इन पॉइंट पे जहाँ पे ए बी सी डी वगैरह सब लिखे हुए हैं आपको उनके पॉइंट बताने हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं. बी पे बेटा -5 और ये वाला पॉइंट क्या होगा, -5 और 2. पहले आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे उसके बाद वाई एक्सिस पे देखेंगे. एल पे आपका क्या होगा, ये 0 और ये 5, तो यहाँ पे 0, 5 लिखेंगे. ई पे आप क्या लिखेंगे, -3 और -5 लिखेंगे. एच पे आप क्या लिखेंगे बेटा, -5 और -3 लिखेंगे. ठीक है, जी पे आप क्या लिखेंगे, 2 और उसके बाद में -4 लिखेंगे. ठीक है, सी पे आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, -5 लिखेंगे. डी पे आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 2 लिखेंगे. ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एक्सरसाइज 3.3. आपको क्या करना है बेटा, ये पॉइंट जो हैं ग्राफ में लोकेट करने हैं सभी पॉइंट. ठीक है, ऐसे ग्राफ बना लेंगे आप, इसको एक्स एक्सिस लिखेंगे, इसको वाई एक्सिस, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 जी, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 आप को ये सभी क्वेश्चन जो है ग्राफ पेपर पे करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 और -5. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, -2 और 4. तो -2 और 4 आप कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, पहले एक्स एक्सिस पे उसके बाद में वाई एक्सिस पे. फिर 3, -1, 3 और -1 यहाँ पे बनाएंगे आप. -1 और 0 बेटा आपका कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा. ठीक है, इनकी पोजीशन भी आप लिख सकते हैं. 1 और 2 कहाँ पे आएगा, 1 और 2. -3 और -5 नीचे बनाएंगे, तो यहाँ पे -3 और -5 आप लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 को आप को इस ग्राफ में इसी तरह से पॉइंट जो है प्लॉट करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे.